हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। तो आज अपन एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जिसमें आप 50,000 से लाख रुपए लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, अगर जिंदगी में वेले बैठे हो तो भाई आपका ये वीडियो जिंदगी बना देगा, ये वीडियो आपका फ्यूचर बना देगा, ये वीडियो आपकी जिंदगी को रॉयल लाइफ कर देगा। ठीक है, ये वीडियो आपको रिश्तेदारों के मुंह पर तमाचा मारेगा। ये वीडियो आपको सक्सेस कर देगा। ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इस वीडियो को फाइट से लगाकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है, मैंने बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की है, लाइफ के बारे में बातें की है, बिजनेस के बारे में बातें की है, धंधे के बारे में बिजनेस बातें की है, पैसा कैसे कमाना है ऐसी बातें की है। तो ये वीडियो आपकी पूरी फ्यूचर बना देगा ये वीडियो। तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो को ध्यान से सुने, उसमें सारी बातें अपनी ध्यान से सुने। ठीक है, इस ये बिजनेस ये मैं जो बता रहा हूँ वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, मतलब आपका पूरा फ्यूचर है ना एकदम ब्राइट कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को फर्स्ट लगकर एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात, आप क्या कर रहे हो हाल फिलहाल, क्या कर रहे हो आप हाल फिलहाल? नौकरी कर रहे हो, लोगों के यहाँ पर गुलामी कर रहे हो, लोगों के यहाँ पर तलवे चाट रहे हो, या बॉस के यहाँ पर गुलामी कर रहे हो? तो भाई नौकरी छोड़ देना, नौकरी आज ही छोड़ देनी है आपको, नौकरी करनी ही नहीं है। ठीक है, नौकरी करनी ही नहीं है आपको, खुद का बिजनेस करना है। ठीक है, आपको लगता है कि नौकरी बहुत बेस्ट है, तो क्या सैलरी है आपकी, कितनी सैलरी है आपकी? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। भाई 15-20-25 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला आज के, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, 15-20 हज़ार 30 हज़ार में भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जिंदगी नहीं बनने वाली तेरी। ठीक है, 15-20 हज़ार में तू नौकरी कर रहा था, इसका मतलब तू गधा है। क्या है? तू गधा है। और गधे को क्या करना, क्या आना है? खाना, जानना और मेहनत करना। भाई मेहनत तो गधे भी करते हैं यार, लेकिन गधे को कुछ हासिल नहीं होता है। आप गधे हो, नहीं हो ना, इंसान हो। तो भाई दिमाग का उपयोग करो ना, भगवान ने यहाँ पे दिया खोपड़ा, उसका इस्तेमाल करो ना। जिंदगी में नौकरी क्यों कर रहे हो आप? मेरे को तो ये समझ नहीं, आपके अंदर खोपड़ी है, दिमाग है, तो दिमाग को घुमाइए थोड़ा। ठीक है ना, भगवान ने हर आदमी को एक टैलेंट दे के भेजा है। ठीक है, मैं पहले नौकरी करता था, मेरे कपड़े की दुकान में नौकरी करता था भाई, 2015 की बात कर रहा हूँ, 15,000 सैलरी थी, सॉरी 12,000 सैलरी थी। ठीक है, 6 महीने नौकरी किया, छः महीना नौकरी किया, सेठ को मैं 2-3 लाख रुपए कमा के देता था उसको, और सेठ मेरे को कितना, 12,000 देता था। पर ये चीज़ मेरे को यहाँ पे लग गई खोपड़ी में भाई, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, खुद का व्यापार किया भाई। आज मेरे पास कपड़े की 3 दुकान है और महीने का 2.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ। कितना? महीने का 2.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ, कपड़े की 3 दुकान है। और मैं पहले यहाँ पे नौकरी करता, अभी मेरे यहाँ पे नौकरी करते हैं लड़के, 3-4 लड़के मेरी इधर का नौकरी करते हैं भाई। तो भाई जिंदगी सबको मौका देती है, लेकिन जिंदगी मौका देती है उसी पे आपको चौका मारना है। जिंदगी आपको भी मौका दे रही है, कुछ न कुछ करो, कुछ कर दिखाओ, वरना ऐसे हाथ मलते रह जाओगे, टाइम भी निकल जाएगा, पैसा भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो भगवान ने आपको एक चांस दिया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ नौकरी नहीं करना, कुछ भी हो जाए, भूखे मर जाओ, लेकिन नौकरी नहीं करना भाई, नौकरी नहीं करने का, गुलामी करने का ही नहीं भाई, खुद का बिजनेस करो ना यार, उसमें राजा भी आप, नौकर भी आप, सब कुछ आप, इसमें आप हैं। नौकरी में क्या है, आप गुलाम हो भाई एक तरह के। नौकरी में बॉस बोलेगा जमूरे नाच, तो जमूरे आपको नाचना पड़ेगा। बॉस बोलेगा जमूरे कूद के दिखा, तो आप जमूरे हो, और वो क्या है, बॉस है आप, वो जैसे नचाएगा वैसे आपको नाचना पड़ेगा, बिकॉज आपको सैलरी दे रहा है भाई। इससे अच्छा वो नाचना ही क्यों है, अपना खुद का दरबार खोलो, खुद राजा बनो है? जिसमें राजा भी आप, सब कुछ आप ही हो, टेंशन किस बात की है ना। तो जिंदगी में भाई खुद का बिजनेस करो। अभी आपको लगता है कि भाई 25-30 हज़ार मेरी सैलरी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया सैलरी है भाई, आप ये बात गलत है, ये बात 100% गलत है। 20-25 हज़ार सैलरी वही बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है,
मान लो 25,000 सैलरी, आप सिटी में रह रहे हो, ठीक है, मकान आपका खुद का है, फिर भी दूसरे खर्चे तो है ना, आपकी बीवी के खर्चे, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के खर्चे, आप आपके माँ बाप के खर्चे, घर में राशन का खर्चा, तो खर्चा तो बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ठीक है। या फिर जिंदगी में खर्चे ही पूरे करोगे, जिंदगी में खर्चे ही पूरे करोगे क्या, अपने सपने पूरे नहीं करोगे, माँ बाप के सपने पूरे नहीं करोगे, जिस लड़की से आप शादी करके आए हो उस बीवी के सपने पूरे नहीं करोगे आप, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी के सपने पूरे नहीं करो, आपने शादी की है उसको आपको सपना पूरा करना पड़ेगा उसका भी, आपके बच्चों के सपने आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको डबल मेहनत, तीन गुने मेहनत करनी पड़ेगी और अपने माँ बाप के सपने भी पूरे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ भाई, ये सॉरी थोड़ा ज्यादा बोल दिया था लेकिन मोटिवेशनल के लिए बोलना पड़ता है, इसी चीज को देखते हुए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें आप 50,000 या लाख रुपए लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो भाई, और ये बिजनेस भाई कभी बंद होने ही वाला नहीं, ठीक है। सुबह उठते ही आपको क्या चाहिए, अंडा चाहिए, तो भाई अंडा चाहिए सुबह उठते पहली, मुर्गी वहां पे कुकड़ू कुकड़ू करती अंडे देती है और इधर आप अंडे ले लेते हो और ऑमलेट बना देते हो, है ना। तो भाई अंडे का नाश्ता सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट होता है भाई, सालों से चलता आ रहा है ये नाश्ता। और भाई है ना, मैं तो अंडे का खाली यही बना, मेरे अंडे की बहुत सारी चीजें बनती है, हैं, अंडा कड़ी, अंडा भुर्जी, अंडा फ्राई, अंडा बॉयल, तो भाई बहुत सारी चीजें बनती है। अंडे का बिजनेस कहीं भी भाई जिंदगी में बंद नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा ये धंधा बिजनेस नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं होने वाला भाई, ठीक है। ये बिजनेस आप अगर कर लोगे ना तो भाई आपको रात दुगनी और चार चौगुनी हो जाएगी, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना काम होगा आपके पास में, ठीक है, आपके पास है ना धीमे धीमे इतना काम आ जाएगा कि आपके पास फुर्सत नहीं रहेगी, इतना पैसा कमाने लग जाओगे कि आप बाकी सारी चीजें भूल ही जाओगे। इसमें काम भी बहुत ज्यादा है, मेहनत भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बिजनेस हमें चलता था, चलता है, चलता रहेगा, ठीक है, नहीं चले तो मैं बैठा हूं, मेरा वीडियो देख लो आप, ठीक है। इस अंडे के बिजनेस में मैं 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा, वो टिप्स अगर अंडे के बिजनेस में आप अमल कर लेते हो तो आपका धंधा आग की तरह चलेगा। आग कैसे पकड़ती है भाई, जैसे ऐसे ऊपर नीचे उसे आग पकड़ती ना, वैसे आपके पास धंधा पकड़ेगा, ठीक है। आपका बिजनेस कैसा बढ़ेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पर डे धंधा आ जाएगा आपके। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिसमें पर डे आपका 10 लाख का भी धंधा हो जाएगा, क्योंकि जो जमीन से जुड़े होते हैं ना उस बंदे को कोई नहीं रोक सकता भाई, उसको धंधा पछाड़ने में। भाई मैं कह रहा हूँ आप अंडे के मार्केट में मार्केट तोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको 10 टिप्स दूंगा जिसमें आपका धंधा आग की तरह चलेगा, ठीक है। आप अगर नवरे बैठे हो तो भाई अंडे का धंधा कर लो, बेस्ट धंधा है, ठीक है। इसमें मैं आपको 10 टिप्स ऐसी बता रहा हूँ जिसमें आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। इसमें पहली टिप्स क्या है पता है आपको, पहली टिप्स है अंडे के होलसेल व्यापार के लिए मार्केट रिसर्च। भाई आप क्या करना है, आपको अंडे का होलसेल व्यापार करना है भाई, रिटेल के मगजमारी चाहिए ही नहीं, तो रिटेल की मगजमारी चाहिए ही नहीं, अंडे का होलसेल का व्यापार करना है आप, तो होलसेल का व्यापार करने के लिए सबसे बेस्ट है आप रिसर्च करो पहले कि आपके पास अंडे की मार्केट में कितनी दुकानें हैं, ठीक है, अंडे की मार्केट में कितनी दुकानें हैं। तो आप मार्केट में जाओ, जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों से संपर्क करो, है कि भाई हम आपको अंडे कम रेट में देंगे, होलसेल भाव में देंगे, और आप अच्छे प्रॉफिट के साथ में आप धंधा कर सकते हो जितनी भी दुकान में। फिर आप क्या करो, अंडे की लाड़ियाँ भी बहुत लगती है इंडिया में भाई, अंडे की लाड़ियों से भी संपर्क करो कि भाई हम इतने कम दाम पे आपको देने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फिर होटल में चले जाओ, सब लोगों से संपर्क ले लो, सबके कार्ड ले लो, सबके आप रिसर्च कर लो, पूरी एक तरफ पूरी कंगाल दो, भले 10 दिन 15 दिन लग जाए लेकिन पूरा कंगाल डालो। वो ये चीज आपको पीछे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगी आपको, ठीक है। अभी अंडों का होलसेल व्यापार किस प्रकार से करो, आपको अंडे का होलसेल व्यापार
धंधा करना है ना, तो फिर किस प्रकार करें आपको? अंडे का होलसेल का व्यापार करना तो सबसे पहले आपको क्या फार्म पकड़ने का है, ठीक है, अंडे का फार्म पकड़ने का, और वहां से जो होते हैं ना भाई व्यापारी, उनसे बात करनी है भाई कि भाई मेरे को मार्केट में आपको अभी अंडे का भाव मिल जाएगा 4-4.5 रुपए में आपको मिल जाएगा होलसेल में, ठीक है। अगर उससे भी आप क्वांटिटी ज्यादा लेते हो तो 3 रुपए में भी मिल जाएगा आपको, 3 रुपए में आपके पास अंडा आ जाएगा आराम से, ठीक है। 3 रुपए में आप मुर्गी फार्म से आप अंडा ले लोगे, और आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, कम से कम 20,000-30,000 क्वांटिटी आपको अंडे की लेनी है, ठीक है। 20-30,000 आपको अंडे लेने, अंडे की क्वांटिटी लेनी है, फिर आपको क्या, आपको एक बड़ा एक स्टॉक जगह रखनी है, बड़ी जगह आपको, मान लो कि जैसे कोई बड़ी दुकान हो, कि आपके पास बड़ा घर है तो आप बड़ा घर में भी रखते हो, ठीक है। एक फ्रीजर लाइए, उसमें रख दीजिए आप, पहले थोड़े दिन खुले भी रख सकते हो, बाकी फ्रीजर में भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप धंधा स्टार्ट शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर अंडों के होलसेल व्यापार के, अंडे होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए कुल लागत, तो भाई है ना, बजट की बात करें तो इसमें भाई ज्यादा बजट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,00,000 रुपए का सेटिंग हो जाएगा तो धंधा आपका बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, ठीक है। 3 रुपए के हिसाब से आप 10,000 अंडे लेते हो तो 30,000, ठीक है, 30,000 अंडे लेते हो तो 90,000 रुपए। सबसे पहले आप घर से ही स्टार्ट कर दीजिए ये धंधा, धीमे धीमे धंधे आगे जैसा जैसा आगे बढ़ता रहेगा, जैसे आप दुकान ले लीजिए, गोडाउन ले लीजिए, पर पहले धंधा आप घर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो फिर आपको पहले के होलसेल में आपको ये लाख रुपए लागत आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बढ़िया लागत, 1,00,000 रुपए में अच्छा धंधा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अंडों के होलसेल व्यापार का जगह का चयन, तो फिर आपको क्या करना है, पहले तो आप घर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा घर, अच्छी बड़ी जगह है आपके पास, आप घर से अंडा का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास घर इतना बड़ा घर नहीं है, इतनी जगह नहीं है, तो आप है ना बाहर एक दुकान रख सकते हो, बड़ी दुकान, हाँ दुकान रखोगे तो फायदा आपके बहुत ज्यादा है, अच्छी लोकेशन पर दुकान रखेंगे, एक गोडाउन भी रख लो आप, ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा धंधा आपको जगह भी मिल जाएगी और आपको धंधा भी अच्छा लग जाएगा, और आपको अच्छे एक जगह पर बैठने की जगह भी आपको मिल जाएगी, बाकी धंधा में दौड़ना तो बहुत पड़ेगा आपको। फिर अंडों के होलसेल व्यापार के लिए पूरा स्टाफ, पूरा सेटअप, तो भाई अंडे का धंधे करने के लिए आपको क्या करना है कि भाई कैरेट वेरेट जितने भी अंडे की सारी सामग्री होती है आपको ज्यादातर 90% खाली सैंपल आपको वहां पे रखने हैं। आपको अंडा क्या रखना, देसी अंडा रखने का है, ठीक है, एक स्वदेशी अंडा भी रखने का जो इंजेक्शन से बनते हैं भाई, ठीक है। बाकी अमेरिकन अंडे, बहुत सारे अंडे बहुत प्रजाति के अंडे आते हैं, वो भी आप अंडे रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा सेटअप करके आपके पास आपको रखना है, ठीक है। फिर अंडे, फिर अंडों को, अंडे के होलसेल बिजनेस के लाइसेंस, तो भाई आपको अंडे का व्यापार करने के लिए होलसेल में अंडे कहाँ से खरीदे, होलसेल में आप अंडे कहाँ से खरीदे, आपको सबसे बेस्ट आइडिया में पहले भी बोला है कि आप होलसेल में बीच में से किसी दुकान से नहीं खरीदे, बीच में को किसी दलाल वल्ला किसी ने, डायरेक्ट मुर्गी फार्म पे जाओ, आप अंडे फार्म में चले जाओ, तो वहाँ पे आप सेटिंग कर लीजिए, और जितने भी मुर्गी फार्म है एक सेटिंग नहीं करना, कम से कम 10-12 मुर्गी अंडे फार्म वालों सेटिंग रखने का, क्योंकि भाई इन अंडों का कोई बिजनेस का कोई भरोसा नहीं, कोई कब ना बोल दे तो आप दूसरे पास, आपके पास सेटिंग होना चाहिए, और जितना भी ये धंधा करना सारा धंधा कैश में करना है, ठीक है। उधारी का धंधा करने का नहीं, कैश देने का, कैश लेने का, इधर इस हाथ से दे इस हाथ से ले माल, इधर इस हाथ से माल दे इस हाथ से पैसा ले, वैसे आपको धंधा करने का है, ठीक है। आप मुर्गी फार्म से होलसेल भाव में ले सकते हो, भी होलसेल रेट तो मैंने आपको बताई है, 3-3.5 रुपए में मिल जाएगी, जैसे आप क्वांटिटी लेते हो, अगर 10,000 लेते हो तो 3 रुपए के आसपास, 3-3.25 रुपए के आसपास मिल जाएगी, लेकिन आप 20-30,000 लोगे तो 3 रुपए के अंदर भी मिल जाएगा आपको। फिर बेचना कितना हो तो अपने हिसाब से आप देख लेना, जितना कितना प्रॉफिट रखना है आपको। फिर अंडों के बिजनेस के लिए लाइसेंस, तो भाई लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो भाई लाइसेंस आप ले लें इसके लिए, बिना लाइसेंस कोई काम नहीं करें, गैर कानूनी काम नहीं करना है आपको, लाइसेंस पूरी तरह से पक्का लाइसेंस लेना है इसके, ठीक है। फिर
फिर रहा है कि लाइसेंस के लिए दस्तावेज, तो भाई लाइसेंस के लिए दस्तावेज क्या चाहिए आपको, तो अपनी मिनिमम चीजें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटिंग कार्ड चाहिए और एक जीएसटी नंबर भी चाहिए। ये सब लेके आप लाइसेंस बनवा लो अपने धंधे का, बिजनेस का। फिर कोई भी इशू कोई भी हो तो आपके पास लाइसेंस है, गैर कायदेसर काम नहीं करो, आपके पास लाइसेंस है तो कायदेसर काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अंडों के होलसेल में, फिर अंडों के होलसेल व्यापार के लिए जीएसटी, तो भाई जीएसटी नंबर 100% रहना है आपको, जीएसटी नंबर रखना ही है। आप जहाँ दुकान करो, घर पर रहो, कहीं पर भी करो, जीएसटी नंबर आपको लेना ही है, क्योंकि टैक्स भरना पड़ेगा तो जीएसटी में टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई टैक्स के लिए जीएसटी नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीएसटी नंबर ज़रूर ले लें, ठीक है। फिर अंडों के होलसेल में मुनाफा, भाई तो प्रॉफिट की बात करें, अभी आई है आपका काम की बात, तो भाई प्रॉफिट की बात करें तो 3-3.5 रुपये में पड़ने वाला अंडा आपके 5-5.5 रुपये में निकल जाएगा। अगर एक दिन में आप के ऑनलाइन भी डाल सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट बना के डाल दो, बहुत ज्यादा ऑर्डर आएंगे आप, ठीक है। फिर अंडे की होलसेल की ध्यान रखने योग्य बात है, भाई अंडे अंडे का व्यापार में सबसे बेस्ट चीज है भाई, अंडे का जब भी आप व्यापार स्टार्ट करो ना तो डिलीवरी हमेशा समय पे देनी है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यही आती है भाई, डिलीवरी सही समय पर नहीं मिलती है तो उनका आगे वाला आपको व्यवहार भी करता है, आपके साथ में धंधे का व्यवहार भी करता है, डिलीवरी आपको सही समय पर। फिर दूसरी बात है आपको अंडा हमेशा ही अच्छी तरह से उनको रखने का, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए अंडे की, तो आड़ी टेढ़ी होगी ट्राई अगर उल्टी फुल्टी होगी तो आपका अंडे फूल जाना खराब हो जाएगा, ठीक है। पैकिंग अच्छी रखनी है, फिर आप जिन व्यापारी के साथ में आप धंधा कर रहे हो ना, चाहे आप होलसेल वाले हो या होलसेल टू रिटेल हो, उनके साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रखना, ठीक है।
उनसे विवाद रखने का, फोन पे कॉन्टेक्ट अच्छा रखने का, ठीक है। पेमेंट मान लो जिस दिन आपका रोक केस का काम है, लेकिन मान लो किस दिन आपके पास उनके पास पेमेंट नहीं है, तो एक दो दिन छोड़ भी देने का, क्योंकि आपका आपको धंधा करके दे रहा है, तो विश्वास भी रखने का, ठीक है। ये योग्य करने की बातें हैं, बाकी तो भगवान आपका धंधा बहुत ज़्यादा चलाएगा। बाकी आप नौकरी छोड़ जाओगे ना, ऐसा धंधा करो तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और ये वीडियो में ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख लिया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आपको जो लिखना है लिखो आज, लेकिन वीडियो को फैला दो यार, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, धन्यवाद।